गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं उठ गई थी आज 6 बजे। मैं बताऊंगी कि मैंने 6 बजे उठ के क्या क्या किया। फिलहाल टाइम हो रहा है 9 बज चुके हैं। मैं उठी हूँ अभी, मतलब बिस्तर से अभी उठी, सो के तो मैं 6 बजे उठ गई थी। तो मैंने पेस्ट भी कर लिया, सब कुछ हो गया। अब मैं जाती हूँ, चाय पीऊँगी। और इधर आप देख सकते हो वो वीडियो बना रही है अपनी। तो मेरा चाय पीने का भी बहुत मन कर रहा है, क्योंकि आज मैं 6 बजे उठ गई हूँ तो बहुत भूख भी लग रही है। तो देखते हैं अभी ऊपर क्या बना है, क्योंकि हमारी किचन ऊपर ही है ना, तो मुझे ऊपर ही जाना पड़ेगा छत पे। हम छत पे, ओ भाई कितनी धुंध। तो आप देख सकते हैं मौसम का हाल आज का। हरिद्वार में आज कितनी ठंड हो रखी है, आई मीन ज्वालापुर में, कि भाई कितनी धुंध हो रखी है आज। हाय, और मैं क्या सोच रही, बाहर मौसम साफ हो रखा होगा, पर ये देख सकते हैं आप कि कितना बेकार हो रखा है। तो बिस्तर से निकलने का फिर मन ही नहीं होगा। और मेरी तबीयत भी खराब हो रखी है, जुखाम हो रखा है मुझे। चलिए, ये रही हमारी किचन, जैसे कि आप देख सकते हो। छत पे हमारा, मतलब इतना स्पेस नहीं है हमारे यहाँ, छोटा सा घर है हमारा। ये देख सकते हो, ये छत है, एक वॉशरूम ऊपर है, एक नीचे है, और एक किचन है हमारी। तो चलते हैं, क्या क्या बना हुआ है सकते हो आप। ये रही किचन, और ये कर देंगे हम हीटर ऑन, क्योंकि सर्दी ज़्यादा हो रखी है। ये लो, बहुत ठंड हो रखी है भैया आज। और आप सोच रहे होंगे कि ये सिंक तो लगा रखी, लेकिन अभी हमारा सिस्टम अभी सही नहीं हुआ ना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ कुछ भी, तो अभी अधूरा ही पड़ा हमारा बहुत काम। तो आप देख सकते हो, ये अभी हमने इसमें टाइल वगैरह कुछ नहीं लगवाई हुई, बस अबरी लगाई हुई है, और बाकी सामान हमने ऐसे रखा हुआ। अभी ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से नहीं किया हुआ हमने, पर सही है अपने हिसाब से। तो अब मैं चाय गर्म करती हूँ। ओई मम्मी, तो मैं इसको रख दूंगी इधर। जब तक मैं आपको ये बताऊंगी, जब तक मेरी चाय गर्म होगी, ये देख सकते हो आप उधर चाय गर्म होने लग रही है। जब तक मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने 6 बजे उठ के क्या क्या किया। तो आज मैं, वैसे तो मैं सो रही थी, रात को मैं 12:30 बजे सोई। अब आप सोच रहे होंगे 12:30 बजे मैं क्यों सोई, क्योंकि मैं 12:30 बजे इसलिए सोई क्योंकि मैं रात को, मुझे नींद जल्दी नहीं आती है, क्योंकि मैं थकी रहती नहीं और नींद जल्दी आती नहीं मुझे। थोड़ी देर मैंने बात की, फिर उसके बाद करने के बाद मैंने सोचा क्या करूं, क्योंकि अंकित को नींद आ गई थी, फिर अंकित सो गए थे। उसके बाद मैंने सोचा अब क्या करूं, मैं अकेले हूं, मैं क्या करती। फिर मेरे इसमें डाटा भी सारा ख़त्म हो रखा था सारा, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करती हूं तो सारा चला जाता है मेरा नेट इसमें ही, तो डाटा भी ख़त्म हो रखा था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मेरा यूट्यूब चल गया। फिर मैंने इसमें रुक रुक के चल रही थी वीडियो, फिर भी मैंने देख लिया। और मैं क्या देखती हूँ यूट्यूब पे, जो बाहर की स्टोरीज होती है ना, मतलब तुर्की, इस्तांबुल, पाकिस्तानी, मैं स्टोरी देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लव स्टोरी वगैरह आती है, तो मैं उसको देखती हूँ। तो फिर जैसे मैंने देखी, अब मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि इसके एपिसोड ना बहुत रुक रुक के आते हैं, जैसे एक आ जाया, 2 दिन बाद दूसरा आया, 3 दिन बाद ऐसा ऐसे आता है। तो मैंने वो पहले इकट्ठे होने दिए, उसके बाद मैंने वो स्टोरी देखी, तो मुझे पूरा मज़ा आ रहा था। मैं सोच रही और देखो और देखो, फिर 12 बज गए, फिर मैंने सोचा मेरा नेट अगले दिन का ख़त्म हो जाएगा, फिर मैंने बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैंने कोशिश की, फिर 12:30 के आसपास मुझे नींद आई होगी, उसके बाद मैं सो गई, फिर मुझे नींद आ गई। फिर जब नींद आ गई तो मैं सोती रही। फिर उसके बाद अंकित का फ़ोन आया मेरे पास 6 बजे। अब आप सोच रहे होंगे कि अंकित कौन है, तो मैं बता देती हूँ कि अंकित मेरे हस्बैंड है, आई मीन मेरे पति, जिससे मेरी शादी होने वाली है। तो 6 बजे कॉल आ गई मेरे पास, फिर मैंने उठा लिया, फिर हम दोनों ने बात की, फिर 8:30 तक हमने बात की वीडियो कॉल पे। फिर उसके बाद मैं उठ गई, वरना मैं इतनी जल्दी नहीं उठती, क्योंकि अगर रात को लेट सोती हूँ ना तो मैं जल्दी सुबह नहीं उठ पाती, फिर मुझे बहुत नींद आती है। पर अंकित का फ़ोन आ गया तो मैं कभी मना नहीं करती, एकदम उठ जाती हूँ और बात भी करनी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मेरा मन ही नहीं लगता अंकित के बिना।
बहुत प्यार करती हूँ ना, इसलिए। मम्मी कर रही है भारती को तैयार है अभी। ये जर्सी वहाँ से आई थी लड़के वालों के यहाँ से, कार्डिगन जर्सी जो भी है, ये सारा सामान वहीं से ही आया। तो मम्मी इसमें से देख देख के भारती को लगाएगी, जो भी रिवाज होता होगा भाई। सारा सामान रखा हुआ है यहाँ, ये सब भारती को लगेगा। इयररिंग वगैरह भी सब वहीं से आए। सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है मम्मी, सब ऐसे ही पड़ा है यार। अच्छी तरह रख दे मम्मी से। अरे अब भारती को चूड़ी, अब देखो ये भारती की पायल है। भैया बस बतेरे साफ हो गए तो उंगली भी मरी मरी सी। आई मम्मी बीच में बस इतना ही काफी। तो भारती की रिंग है, मेरे फ्रेंड कौन से लगाओगे? छोटा सा करता। ओहो अरे भारती अच्छी लग रही। अच्छी लग रही, फोटो खा ली इसका। ये मिठाई का डब्बा है और कुछ मिठाई वो रखी है वहाँ डब्बे में। सो भारती के पैर में दर्द हो रहा है ना, दर्द हो रहा। अब इसकी पैकिंग होगी सामान की सारी। जैसे कि आपने देखा पहले की वीडियो आरती से मैंने बनवाई और अभी की वीडियो मैं खुद ही बना रही हूँ। तो यहीं पे थोड़ी देर बाद में मैं बताऊंगी आपको कि क्या क्या रहा है, मतलब सारी रसम हो चुकी है, अब पैकिंग चल रही। मम्मी पैकिंग कर रही। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, मतलब मम्मी ने सब चीज़ें रीति रिवाज जो भी था सब चीज करा दी थी। और आज का व्लॉग बस ये ही है, मतलब आज के व्लॉग में बस इतना ही है। बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, पर खुशी भी महसूस हो रही थी, जो कि मतलब आज इतने दिनों बाद ये वाला टाइम आया है। तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं व्लॉग अच्छे से अच्छा बनाऊं और अच्छा ही। पता नहीं आपको कैसा लगता होगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगता है। अगर मेरी कुछ गलतियां तो आप वो भी बताएं। और क्या बोलते हैं, मेरी वीडियो अगर आपको, मतलब मेरे व्लॉग या शॉर्ट वीडियो मेरी जो भी है आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वैसे तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अच्छा ही व्लॉग बनाऊं, और बाकी तो शादी के बाद और अच्छे व्लॉग बनेंगे, क्योंकि अभी तो मैं अकेली हूँ, ज़्यादा रीज़न भी नहीं है मेरे पास कि मैं कैसे व्लॉग बनाऊं कैसे नहीं। उसके बाद तो बहुत रीज़न मिल जाएंगे व्लॉग बनाने के। तो ये व्लॉग होता है मेरा यहीं पे एंड। तो जब तक के लिए बाय, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।